हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मैं गीता मेरी चैनल जी एस सरकार ब्लॉग पे स्वागत करती हूँ। और आज फिर बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण बिजली नहीं है, तो हमारा यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होता है बिजली की। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बिजली कट, और बिजली आने का नाम तो लेता ही नहीं। तो मैंने सुबह सुबह उठ के मेरा हर काम ख़त्म कर ली, और पूरा बारिश हो रही थी और बिजली भी नहीं थी, इसीलिए मैंने आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं की। और सुबह सुबह का टाइम जो होता है, मतलब बहुत रफ काम करने का टाइम होता है, क्योंकि टाइम हो जाता है उनको, फिर दुकान के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत कुछ मतलब उधर में हमारा पूजा भी करना हो गया, लेकिन बिजली नहीं है इसीलिए अच्छा से नहीं दिख रहा है। सिर्फ वो दिया दिखाई दे रही है और भगवान लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अंदर आने से मुझे भी दिखाई नहीं देता, अगर बाहर जाओ तो बाहर की रोशनी से थोड़ा दिखाई देती है। दोस्तों, बारिश होने से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम रहता है, गर्मी नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बिजली नहीं रहता इसके लिए अच्छा नहीं लगता। अगर बिजली होता तो मैं अंदर ही बैठ के मतलब वीडियो बना सकती थी, वीडियो कर सकती थी, मतलब नहीं हो रही है। अगर मैं अंदर खाना भी पकाऊँ तो आप लोगों को अंदर में मतलब अंधार इतना होता है, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं आप लोगों से शेयर कैसे करूँगी, इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाती। और इधर देखिए, इसे मेरे आगे पीछे दौड़ रहा है, इसे मारूँ भी फिर भी मेरे आगे पीछे आता है। इधर देखिए, मैं अगर जाऊँ तो ये भी आएगा मेरे पीछे। मैं फिर इधर आती हूँ, देखिए वो फिर घूम के आएगा। देखिए देखिए, इसका यही काम है, मेरे आगे पीछे दौड़ते रहता है, इसका और दूसरा काम है ही नहीं, तो क्या करूँ। बारिश बहुत हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे बारिश होने से। गर्मी जो नहीं रहता, मुझे गर्मी मतलब सहन नहीं होता, इतना गर्मी होता है। और गर्मी होने से भी मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। और इधर देखिए, इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है इसीलिए, क्योंकि इन्हें पानी चाहिए। तो दोस्तों, बाद में बातें करूँगी, देखूँगी कुछ भी शेयर कर सकती हूँ या नहीं, मालूम नहीं कुछ भी शेयर करूँगी या नहीं। इधर मुझे काट रहा है, ये मेरे शरीर पे पैर रख के खड़ा होके मुझे काट रहा है, इसे गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है मालूम नहीं, मुझे भी ज़्यादा गुस्सा आता ना, मैं इसे मारती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा काम करता है। देखिए, आप लोगों से भी बातें करने नहीं दे रही मुझे, ये मेरे मतलब आगे पीछे इतना गुस्सा आता है, मैं चुपचाप खड़ा रहूँगी तो ये मेरे ऊपर उड़ जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बाय, बाद में बातें करूँगी। अंधेरा अंधेरा अंधेरा, चारों तरफ ही अंधेरा है, और सिर्फ इधर थोड़ा रोशनी है जो दरवाजे की सीधा है, इसीलिए तो बाय। तो दोस्तों देखिए, इस यहाँ में बैठ के पहले इसने बिस्कुट खाया था, फिर वहाँ भी बैठ के बिस्कुट खाया था, फिर भी इसे और बिस्कुट चाहिए। अब बिस्कुट खाने के लिए कैसे कर रहा है देखिए, और मेरे आगे पीछे भी ये बिस्कुट के लिए दौड़ रही है, तो अब इसे देखिए कैसा होगा। देखिए, और इसे कितना बिस्कुट खिलाऊंगी आप लोग बोलिए तो। इतना बिस्कुट खिलाने के लिए मेरे पास पैसा भी तो होना पड़ेगा ना, इसे सिर्फ बिस्कुट ही चाहिए, खाना साना खाता नहीं। अगर मछली हो तो मछली खा लेगा, मीट हो तो मीट खा लेगा, चावल नहीं खाएगा। और बिस्कुट चाहिए, इतना बिस्कुट कहाँ से दूँ इसे, ये खा के फिर मेरे आगे पीछे डोलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आज ये बनाने वाली हूँ, ये सब मिला के सब्जी बनाने वाली हूँ,
और साथ में इसमें मटर डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फिलहाल के लिए बाय। तो दोस्तों देखिए मैंने इधर सब्जी चढ़ा दी है और इधर मैंने दूध उबालने के लिए बैठा दिया है। कुकर में चावल हो गया, यहाँ सब्जी हो गया, यहाँ दूध उबाल ले रही हूँ। उसका मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पति देव आएंगे तो फिर एक साथ बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए आप लोगों से बात में करती हूँ, बाय। तो दोस्तों फिलहाल मेरा हर काम ख़त्म हो गया है, मैंने अपना घर का पूरा काम ख़त्म कर ली है और मैं खाना साना खा के बर्तन सर्तन धुलाई करके आप बैठी हूँ। और बहुत दिनों पहले मैंने ट्रेडिंग किया था और मेरा आप इधर फिर निकल आया है थोड़ा थोड़ा। तो इस थोड़े थोड़े के लिए मैं फिर पार्लर नहीं जाऊंगी, और वैसे भी मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से पार्लर जाना बहुत मुश्किल की बात है। कभी कभी कुछ काम से बाहर जाती हूँ तो पार्लर चली जाती हूँ, लेकिन बिना काम से कभी पार्लर जाऊँगी इससे मैंने कभी, शादी के बाद इतना दिन हो गया मैंने कभी नहीं गया, तो इसीलिए मैं एक थोड़ी थोड़ी निकली है उससे मैं इसकी मदद से निकाल लूँगी। तो मैं आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ, फ़िलहाल इसका काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैंने निकाल ली है, अब थोड़ी अच्छी लग रही है, शायद अच्छे से नहीं निकल पाई फिर भी जितना हो सके मैंने निकाल ली। तो मैंने अब निकाल ली है और मेरा काम करता। तो दोस्तों देखिए मेरा कुछ काम नहीं है इसीलिए ये सोच के मैं बैठ के मतलब बहुत सारी रील्स बनाई है, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाई है। और यहाँ में मैं यहाँ चेयर में टेबल रख के स्टैंड बना के मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मैंने भूल गई, कल की वीडियो मैंने ना अपलोड की, ना एडिटिंग की, ना कुछ, और अब बच चुका है 5। और दोस्तों क्या करूँगी मैं, अभी 5 बज गया है, एडिटिंग करते करते 6 बज जाएगा, उसके बाद अपलोड कब करूँगी मालूम नहीं। तो दोस्तों आप लोगों से बाद में बता देती हूँ। तो दोस्तों गुड इवनिंग, देखिए मैंने संध्या बत्ती दे दी है और अब कुछ काम नहीं है, बैठी हूँ मैं और आप लोगों के सामने ऐसे बैठी हूँ। पता नहीं अब क्या करूँगी, मतलब मेरा ज़्यादा काम ही नहीं है आज, और संध्या बत्ती दी हूँ मैं अभी, और उसके बाद अभी बैठी हूँ आप लोगों के सामने। और मैंने वीडियो तो अपलोड कर ली है लेकिन उसमें थर्मल नहीं लगाया है, अब मैं एक थर्मल बना के वहाँ पे लगा दूँगी। और तो दोस्तों देखिए हमारे घर एक जीजा जी आए घूमने के लिए और ये कान से भी नहीं सुनते हैं और मुंह से भी नहीं कह सकते, तो इनसे इशारा से बातें किया जाता है। तो देखिए उनका मेरा पतिदेव उनसे बहुत मजाक कर रहे हैं क्योंकि उनका जीजा जी लगता है गरम गरम बादाम भाज के लाया है और उनके शरीर में लगा रहा है, उन्हें खिला रहे हैं। अभी उन्हें टेस्ट लग गया खा के, अभी वो खाने वाला, देखिए खुद से खा रहे हैं, एक जबरदस्त खिला दिया, अब खुद से भी खा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जीजा जी जो है वो मुंह से नहीं बोल सकते, कान से भी नहीं सुनते, इसलिए सिर्फ इशारे में बातें करते हैं। तो ये देखिए मुझे इनका हर बात समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा समझ में आता है, तो ये उनके साथ ही ज़्यादा बातें करते हैं और मैं तो सिर्फ मज़ा लेती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है देख के, मतलब बुरा भी लगता है लेकिन ये ऐसे ही है तो क्या करूँ। और मतलब ये जो मुझसे भी बातें करते हैं जब मैं अकेली रहती हूँ, आते हैं तब
मतलब मुझे तब बहुत परेशानी होती है, मैं ज़्यादा समझ में नहीं आता मुझे उनकी बात, तो जितना समझ में आता है मैं उतनी उनसे बातें करती हूँ। और अब जो है उन्हें क्या दिखा रहा है क्या बता रहा है उन्हें ही मालूम चलेगा, मुझे तो मालूम ही नहीं चल रहा है। और कुछ बनाना खाने के बारे में शायद दिखा रहा है तो मैं उनकी वीडियो कर रहा था, उन्हें मालूम नहीं था। जब उन्हें मालूम चल गया मैं उनकी वीडियो कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दम दिया, उन्होंने बोला कि मत करो। तो दोस्तों आज इतना ही मेरे ब्लॉग में, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। उन्हें मतलब बहुत परेशानी हो रही है, मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ और मेरे पतिदेव ने बोला कल आना दुकान में, मैं तो आपको दिखा दूँगी। तो दोस्तों बाय, गुड नाइट आप सभी को, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।